नाकी को खादिम अब्बास कहते हैं। देखिए डिम्पल हमारी बहू है, खादिम की शुभकामनाएं उसके साथ कि वो चुनाव जीते, लेकिन अखिलेश का ये निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, पारिवारिक निर्णय है। इसको हम कह सकते हैं चंद शब्दों में, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आजमगढ़ हार गए, अभी कोरोना कर की सीट हार गए, अरे वो साहब चुनाव आयोग ने और सत्ता ने मिल के हरा दिया। अरे यार तुम बच्चे हो, राजनीति कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें कैसे हरा दिया? खिलाड़ी पखारची वो होता है जो उसी के दांव से उसको चित्त कर दे। आप पिटते जा रहे हो, और कब से पिट रहे हो? 14 से पिट रहे हो। और ये गलत, बहुत बड़ी भूल उन्होंने फिर की। धर्मेंद्र जी वहाँ लड़े, अखिलेश जी गए नहीं, चुनाव में नहीं गए। हाँ, क्योंकि उनका उनका सोच था कि डिम्पल को वहाँ लड़ाया जाए। अब डिम्पल का नाम वहाँ काट दिया गया, अब डिम्पल का नाम काट दिया तो हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे डिम्पल का चुनाव प्रचार होगा तो बाकी दूसरे लोग क्यों आएंगे? अब शिवपाल सिंह तो अपने आप को अपमानित, उपेक्षित महसूस करते हुए लटक रहे हैं इधर से उधर। मैनपुरी के उपचुनाव में जिस तरह से सुभाषपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, वहीं आज समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव के नाम की घोषणा कर दी है। मेरे साथ यहाँ वो तजुर्बेकार पत्रकार है जो बहुत लंबे समय से राजनीति में अपनी एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं और एक अलग अनुभव है। लंबे समय से यहाँ आसपास के क्षेत्र की राजनीति को भी कवर करते रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाकी को खादिम अब्बास कहते हैं। पत्रकारिता में किस में आप लिखते हैं? हमारा खुद का अखबार है, सियासी अखाड़ा। चर्चा है कि मैनपुरी उपचुनाव की घोषणा हो गई और उसके बाद से यहाँ पर जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी में ही लगती है और समाजवादी पार्टी ने डिम्पल को उतार दिया। आप कितना जीत मानते हैं, क्या कैसा है उनका निर्णय? देखिए डिम्पल हमारी बहू है, खादिम की शुभकामनाएं उसके साथ कि वो चुनाव जीते, लेकिन अखिलेश का ये निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, पारिवारिक निर्णय है। इसको हम कह सकते हैं चंद शब्दों में, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। स्वर्गीय मुलायम सिंह के देहांत के बाद उसे एक अच्छा मौका मिला था, अवसर मिला था, उसने परिवार को एक करने का मौका खो दिया। जब उनके चाचा ने अपने आप को बैक करके अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि तेज प्रताप सिंह यादव हमारी पहली पसंद है, पूरा सैफई परिवार एक हो जाता और इसके दूरगामी परिणाम होते, अखिलेश को इतनी समझ में नहीं आई, आजमगढ़ की सीट छोड़ दी, चुनाव हार गए, धराशायी हो गए, सब कुछ वैभव खो दिया और अपने साथ साथ बुढ़ापे में आजम खां की मिट्टी पलीत कर दी, उनका भी इस्तीफा करा दिया और वो भी परास्त हो गई। तो तुम्हारा जो वैभव है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की। तो अभी अपरपक हैं, बच्चे हैं राजनीति में, इन्हें अभी शऊर नहीं आ रहा है। जिस दिन से मुलायम सिंह जी ने, भाई हर बाप की एक इच्छा होती है, हमारा बेटा फला फूले। ये बताइए, आप शिवपाल सिंह को लंबे समय से जानते भी हैं, कवर करते रहे हैं, क्या लगता है कि अब उनका स्टैंड क्या होगा? देखिए उनके स्टैंड के बारे में यहाँ मैं चर्चा नहीं करनी। जिस आदमी ने स्वेच्छा से अपने आप को बैक कर लिया हो परिवार में एकता बनाए रखने के लिए, और अच्छा वहाँ से रह चुका है, तेजू वहाँ से रह चुका है, ये शुकावाद से फिरोदाबाद से रह चुके हैं, अच्छा है, तो वो तो मुलायम सिंह की विरासत संभाल चुका है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो तेज प्रताप सिंह को, और एक के दूरगामी परिणाम थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है शिवपाल जी से हिम्मत अख्तमाद भेंट हो गई, तो हमने कहा भाई साहब क्या होगा, कि अब आप पूछोगे तो फिर क्या होगा। हमारी पहली और अंतिम पसंद तेज प्रताप सिंह तेजू है। उसके दो कारण हैं, एक तो कारण ये है कि हमारा जो बिहार से रिश्ता जुड़ा है वो प्रांगण होगा, मजबूत होगा, वो एक अच्छा संदेश जाएगा। वो तो भाई एक्स पार्लियामेंट मेंबर है तेज प्रताप सिंह, और ये जो परास्त हैं, तो ये कन्नौज में परास्त कब हुई? जब मायावती का समर्थन था। अच्छा यादव कब परास्त हुए? जब मुलायम मायावती का साथ था। बदायूं में धर्मेंद्र जब परास्त हुए, जब मायावती का साथ था। तो भाई ये कौन सी खेल तुम खेल रहे हो, क्या करना चाहते हो? इटावे का वैभव, इटावा की पहचान मुलायम सिंह यादव से थी, हम उनके विरोध में लिखते रहे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर अब
भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारे तो क्या फाइट हो सकती है, क्या डिंपल की जीतने की संभावना क्या बढ़ रही है? वो नहीं उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी घाटे का सौदा नहीं करती, वो फायदे का सौदा करती है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो हम लोगों को खबरें प्राप्त हो रही हैं अखबार वालों को, तो वहाँ से वो किसी साख बंधु को चुनाव लड़ाएगी, ये हमारा है। तो और अर्पणा को उतार देगी तो दो बहुआ की हो जाने दो, क्या बात है? तो उसमें फिर जीत किसकी लगी? नहीं, मेरी शुभकामनाएं तो डिंपल के साथ हैं, हम चाहते हैं कि डिंपल जीते। आपका अनुमान क्या कहता है राजनीति में, आप डिंपल की कैसे? हमारा अनुमान ये है कि ये इन्हें फिर रोना पड़े अखिलेश यादव को। आजमगढ़ हार गए, अभी कोरोनागर की सीट हार गए, अरे वो साहब चुनाव आयोग ने और सत्ता ने मिल के हरा दिया। अरे यार तुम बच्चे हो, राजनीति कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें कैसे हरा दिया? खिलाड़ी पखारची वो होता है जो उसी के दांव से उसको चित्त कर दे। आप पिटते जा रहे हो, और कब से पिट रहे हो? 14 से पिट रहे हो। तुम मुख्यमंत्री से तुमने पांच सीटें जीती अपने परिवार की, तुम जीते, तुम्हारे पिताजी जीते, तुम्हारे भाई जीते। लेकिन अब आप ये बताइए कि अब अगर आज की बात करें, ये तो पूर्व की बात हो गई, आज की स्थिति में आखिरी सवाल है आपसे कि शिवपाल सिंह अब अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को उतारती है तो शिवपाल सिंह का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, शिवपाल जी सिंह जी अपनी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका क्या स्टैंड होना चाहिए वो हमसे बेहतर जान सकते हैं, उसमें हम कोई अपनी राय देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुधीर मिश्रा। किस अखबार के लिए? मैं स्वर इंडिया अखबार का संपादक। आप बताइए कि मैनपुरी उपचुनाव की घोषणा हो गई और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिंपल यादव को उतार दिया, उनकी जीत को कितना मानते हैं? मुझे लगता है कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बाद, अखिलेश के हाथ में बागडोर आने के बाद अखिलेश ने कई गलतियां की और ये एक गलत बहुत बड़ी भूल उन्होंने फिर की है। इसको दो तरीके से मैं विश्लेषण करना चाहूँगा, एक तो राजनीतिक चुनाव में परिणाम को लेकर, वो हार जीत क्या होगी, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि इस सैफई राज परिवार की एकता का। ये एक बहुत बड़ा अवसर था अखिलेश के लिए, अब उनके पिताजी भी अभी नहीं रहे, कि वो डिंपल यादव को ना उतार के अपने परिवार के किसी अन्य कैंडिडेट को, जैसे उसमें तेज प्रताप पहले रह चुके हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव भी यहाँ रह चुके हैं, इस सीट पर सांसद रह चुके, उनमें से किसी को, अथवा अपने चाचा जिनको लेकर बहुत सारी बातें और परिवार की एकता को लेकर केवल प्रदेश नहीं प्रदेश के बाहर भी के लोग भी कहते रहे हैं। और मैं एक संदर्भ यहाँ जोड़ना चाहूँगा, अभी 8-10 दिन पहले एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ KK डिग्री कॉलेज में, सरदार पटेल मंच का, जिसमें एक कलाकार सुरेंद्र पाल, जिन्होंने महाभारत में गुरु द्रोण का पाठ निभाया था, तो उन्होंने 2-3 बातें संकेत रूप में उसमें कहीं संबोधन में उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे सारे योद्धा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कोई धृतराष्ट्र नहीं है, ये किसकी तरफ इशारा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पुत्र, जब उनसे पूछा कि पुत्र कैसा हो, तो उन्होंने पुत्र कहा पुत्र शिवपाल जैसा हो, पुत्र अखिलेश जैसा हो वो भी नहीं, कि वो बम्बई में रहकर वो स्थिति को समझ रहे हैं कि इनके परिवार की स्थिति क्या है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे सही निर्णय क्या लेना चाहिए। अब ये उनका निर्णय है या उनके साथ कोई सलाहकार भी शामिल है, बहरहाल दोनों में जिसका भी निर्णय है, ये विवेकपूर्ण निर्णय उनका नहीं है। सबसे ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण था कि पारिवारिक एकता भी बचती, और चूँकि ये इनका गढ़ है यहाँ, तो जीतते ही वो किसी डिंपल की बजाय उन्हें किसी अपने परिवार के अन्य सदस्य को। तेज प्रताप की जब इतनी डिमांड थी तो तेज प्रताप को इन्होंने क्यों काट दिया? अब मुझे लगता है कि जैसे मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा था कि बुद्धि विपरीत जब होती है तो निर्णय गलत आते हैं, जैसे अन्य जगह ये अपने गढ़ नहीं बचा पाए, यहाँ भी संकट वो उत्पन्न हो गया है। अब कहा नहीं जा सकता इस गढ़ में कि वो जीत ही जाएंगे, और इसके बाद सबसे ज़्यादा इस बात पर भी इस सीट का निर्णय प्रभावित करेगा कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, अब उनकी भूमिका क्या रहेगी, वो न्यूट्रल रहते हैं या वो सपोर्ट करते हैं अथवा वो इनडायरेक्ट विरोध में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा को उतार दे तो फिर फाइट किस तरह चलेगी? नहीं, पहले तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को नहीं उतारेगी, अपर्णा को वो उतारेगी तो इतने मजबूती नहीं रहेगी, फिर सिंपैथी पूरे यादव समाज की डिंपल की तरफ जाएगी, मुझे लगता है वो किसी अन्य कैंडिडेट को उतारेंगे। तो शिवपाल सिंह का क्या अब रुझान होगा या परिवार का क्या रुझान होगा? शिवपाल सिंह ने तो अभी तक अपने आप को वो पूरा एक तरीके सर्वस्व न्यौछावर करते आए कि ये
समाजवादी पार्टी मजबूत रहे, अखिलेश मजबूत रहें। उन्होंने कहा आप अध्यक्ष भी रहें, आप मुख्यमंत्री भी बने, तब भी हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन अखिलेश उन्हें अपने साथ नहीं रख पाए। तो अब आप क्या मानते हैं कि जीत किसकी ओर जा सकती है? ये सीट अब बहुत मुश्किल में हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आएगा वो कौन होता है, इस बात पर निर्भर करेगा। मेरे साथ और भी लोग हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, नाम गणेश ज्ञानार्थी नाम है, पत्रकारिता करता हूँ, स्तंभकार के रूप में पहचान है। आपका एक बड़ा राजनीतिक जुड़ाव रहा है और आपने पॉलिटिक्स की, राजनीति की बहुत पत्रकारिता की है लंबे समय से, कई दशक बीत गए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं समाजवादी परिवार को। इस मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल को मैदान में उतारा है, उनकी जीत को आप कितना सुनिश्चित मानते हैं? देखिए, पहले तो आप इसके इतिहास को समझिए। मैनपुरी में सन 1957 में इटावा से गए थे बंशीधर धनगर, तब से, उसके बाद में सन 84 में बलराम सिंह यादव, तब से लगातार इटावा का ही व्यक्ति मैनपुरी में सांसद बनता है। मैनपुरी का दुर्भाग्य यह है कि मैनपुरी अपना सांसद आज तक पैदा नहीं कर पाया। अब अपराधशील जो राजनीति है वो मैनपुरी के ऊपर हावी रही है, अब परिवारवाद भी उसी लिए हावी हो चुका है। तो अब मुलायम सिंह के बाद में परिवारवाद कितना हावी रह पाएगा और मैनपुरी वाले कितना उसको सर पे रख पाएंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मैनपुरी में यादव के अलावा जो कोई भी है वो सब इतने वर्षों से अपने आप को उपेक्षित, पीड़ित, अपमानित महसूस करता है। और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सक्षम कैंडिडेट को वहाँ उतारती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो फिर अब अभी तक तेज प्रताप का नाम था चर्चा में, अब बताया जा रहा है कि उनका टिकट काट दिया गया, तो उसके पीछे आपका अनुभव क्या कहता, क्या रीज़न है? देखिए, धर्मेंद्र जी वहाँ लड़े, अखिलेश जी गए नहीं, चुनाव में नहीं गए। हाँ, क्योंकि उनका सोच था कि डिंपल को वहाँ लड़ाया जाए। अब डिंपल का नाम वहाँ काट दिया गया, अब डिंपल का नाम काट दिया तो हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे डिंपल का चुनाव प्रचार होगा तो बाकी दूसरे लोग क्यों आएंगे? तो कैसे ये संभव है कि मतलब एक तरफ आप जो है लोगों के साथ हक तलफी करें और एक तरफ आप ये चाहें कि सारे के सारे लोग आपके पीछे रहें, कैसे संभव है? तो मुलायम सिंह नहीं है, अखिलेश मुलायम सिंह नहीं है। मुलायम सिंह इतनी सारी आलोचनाएं झेल कर भी अपने आप को कुंदन मनाने की क्षमता रखते थे, लेकिन इनमें अहंकार इस कदर कूट कूट के भरा हुआ है कि ये ज़मीन पर चलने का साहस इनमें नहीं है। तो ये निर्णय कैसा है इनका? ये निर्णय बिल्कुल ख़राब है। तो फिर ऐसी स्थिति में हार जीत का परसेंटेज कहाँ पहुँच गया है? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तय करेगा। अगर वो गैर यादव है, अगर कोई और सक्षम कैंडिडेट है तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट इस बार इसलिए निकाल लेगी क्योंकि मैनपुरी को मैनपुरी की मिट्टी का कोई सांसद मिलने के प्रबल आसार बन गए हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह कहाँ रहेंगे? अब शिवपाल सिंह तो अपने आप को अपमानित, उपेक्षित महसूस करते हुए लटक रहे हैं इधर से उधर। डिंपल का साथ देंगे क्योंकि उनकी तो इच्छा तेज प्रताप। अब डिंपल का ये उनका परिवार है, वे देंगे कि नहीं देंगे ये तो उनसे पूछो जाके। यार भैया, हमसे क्यों पूछ रहे हो? दृष्टिकोण क्या है हमारा? दृष्टिकोण ये कहता है कि वे चुपचाप बैठेंगे, वे जितना उन्होंने अपमान बर्दाश्त कर लिया है उससे ज़्यादा अपमान बर्दाश्त करने की सीमा हमारे ख्याल से अब उनमें क्षमता नहीं रही है। मेरे साथ और भी लोग, क्या नाम है? संजय कुमार सिंह। सर, किस अखबार के लिए? मैं प्रलय साप्ताहिक का संपादक और मालिक हूँ। ये बताइए कि अखिलेश यादव ने डिंपल को मैदान में उतार दिया मैनपुरी में, उनका निर्णय कैसा है और जीत कितना आपको लगती है? देखिए, ऐसा है, इस पर मैं दो ही बातें कहूँगा कि उनका जो निर्णय है वो एक तो पारिवारिक है और उसके स्वयं वो निर्णय करने के मालिक हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस निर्णय से जो सहानुभूति थी जनता की नेताजी के प्रति या चुनाव में उसको जो प्राप्त करना चाहते थे उसके अब बहुत कम मिलने के आसार हो गए हैं। क्योंकि लेकिन वो तो उनके परिवार की बहू है।
नहीं ठीक है, वो बहू है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जनता की जो वहाँ पर वो थी वो तेज प्रताप के प्रति ज़्यादा थी, क्योंकि वो जनता उनको मुलायम सिंह का असली वारिस और उनके ही कार्यशैली का व्यक्ति मानती है, इसलिए वो उनको ही करना चाहती थी। लेकिन अब अगर ऐसा किया है तो ये तो समय पर निर्भर करेगा कि कितना मैनपुरी जनता क्या निर्णय लेती है इसमें। तो फिर इसको हम ये मान के चलें कि अब शिवपाल सिंह का क्या स्टैंड रहेगा? शिवपाल सिंह का स्टैंड तो उन्हें खुद तय करना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, समर्थन में जाएंगे, विरोध में जाएंगे, न्यूट्रल? अगर परिवार के साथ वो रहने का अभी जैसे कि बीच में दावा कर चुके हैं कि मैं परिवार के साथ हूँ, तो उनको रहना पड़ेगा डिंपल जी के साथ, और अगर वो ये दावा खोखला है तो फिर वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अगर अपर्णा आ गई बीजेपी से तो दोनों बहुओं की फाइट? तो दोनों बहुओं की फाइट में फिर डिंपल यादव का पल्ला भारी रहेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। किस अखबार में? देशद्रोह। तो ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि समाजवादी परिवार की प्रत्याशी डिंपल यादव को मैनपुरी के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, कितना जीत है इसमें? तो ये है कि नेताजी की जगह शिवपाल को टिकट मिलना चाहिए था, कि शिवपाल ने लक्ष्मण और हनुमान का काम किया है मुलायम सिंह के साथ हमेशा, ये टिकट जो है शिवपाल को मिलना चाहिए, वो हमेशा नेताजी के साथ रहे, तो भाई की टिकट भाई को ही मिलना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब अगर डिंपल को दे दिया तो अब रोचक चुनाव होगा, मुकाबला रोचक होगा, वैसे टिकट शिवपाल को मिलना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा को ले आई या किसी गैर यादव को ले आई तब क्या होगा? तो रोचक चुनाव, बताता रहा हूँ, चुनाव रोचक होगा। अब ऐसी स्थिति में अभी आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है? चुनाव बड़ा कठिन होगा, दोनों पार्टी लड़ेंगी बीजेपी और सपा, बड़ा कठिन चुनाव होगा, कम से हार जीत होगी, बहुत कम से हार जीत होगी उनका। नेताजी 50,000 से जीते तो उससे नहीं, अबकी बार हार जीत कम से होगी, चाहे बीजेपी जीते चाहे सपा जीते। और फाइट अगर बसपा ने भी कैंडिडेट उतारा तब? नहीं, बसपा का इतना नहीं, तो नहीं होगा। मेरे साथ यहाँ पर कई वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन कई पत्रकारों का कहना है कि अखिलेश यादव का यह निर्णय डिंपल को चुनाव मैदान में उतारना उनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है और यह भी चुनाव उनके हाथ से जा सकता है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।